अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिफ खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कनाडा कसाद बाजारी का शिकार हो गया है। कैनेडियन शहरियों की अक्सरियत का कहना है कि हम पहले ही कसाद बाजारी का सामना कर रहे हैं। माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि 2023 में किसी वक्त कसाद बाजारी आने का इम्कान है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड की तखनशीनी की तकरीर में कहा गया है कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल है। अवामी फलाह के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। कनाडा की नायब वजीर खारजा की क्यूबैक में सिनेगाली सफारतकार पर पुलिस तशद्दुद की मुजम्मत। क्रिस्टिया फिनलैंड का कहना है कि किसी के भी साथ ऐसा अमल नाकाबिले कबूल है। क्यूबैक का पुलिस वॉच डॉग अफसरान के तर्ज अमल की तहकीकात कर रहा है। रूस ने ईरानी सैटेलाइट खला में पहुंचा दिया। यूक्रेन की जासूसी भी करेगा। रूस ने यह सैटेलाइट ईरान के लिए तैयार किया है। ताहम अभी इसका कंट्रोल रूस के पास ही है। चीन का ताइवान के गिर्द फौजी मशकें जारी रखने का ऐलान। अमेरिका ने इकदाम को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। ताइवान ने इल्जाम लगाया है कि चीन इन मशकों को जजीरे पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order kare. www.greenish.com. बढ़ती हुई महंगाई और शरह सूद का मुकाबला करते कैनेडियन शहरियों की अक्सरियत यह महसूस करती है कि मुल्क कसाद बाजारी की तरफ बढ़ रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई और शरह सूद का मुकाबला करते कैनेडियन शहरियों की अक्सरियत यह महसूस करती है कि मुल्क कसाद बाजारी की तरफ बढ़ रहा है। जबकि एक नई राय शुमारी के मुताबिक शहरियों की बढ़ती हुई तादाद का ख्याल है कि हम पहले ही कसाद बाजारी का सामना कर रहे हैं। मंगल को जारी होने वाले याहू कैनेडा मारो पब्लिक ओपिनियन पोल में पता चला है कि 26% जवाब दहिंदगान के ख्याल में कनाडा फिलहाल कसाद बाजारी का सामना कर रहा है। ये तादाद गुज़िश्ता महीने किए जाने वाले सर्वे से 9% ज़ायद है। ताहम राय शुमारी करने वालों में से अक्सरियत 59% का ख्याल है कि मुल्क कसाद बाजारी की तरफ बढ़ रहा है, जबकि 15% का कहना है कि अब या बाद में। किसी के खदशात मुबालगा आरई पर मबनी हैं। माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि 2023 में किसी वक्त कसाद बाजारी आने का इम्कान है। इसकी बड़ी वजह दुनिया भर के मरकजी बैंकों की जानिब से अफरात ज़र से निमटने के लिए शरह सूद में जारहाना इजाफा है। तवक्को है कि बैंक ऑफ कनाडा सितंबर में अपनी बेंचमार्क सूद की शरह में दोबारा इजाफा करेगा। पिछले महीने मरकजी बैंक ने दीगर अवामिल के दरमियान अफरात ज़र के दबाव का हवाला देते हुए अपनी कलीदी शरह सूद को पूरे फीसद पॉइंट से बढ़ाकर 2.50% कर दिया। 100 बेसिस पॉइंट्स की शरह में इजाफा अगस्त 1998 के बाद से बड़ा सिंगल इजाफा था। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड की तखनशीनी की तकरीर में तस्लीम किया गया कि ऑन्टेरियो में सेहत के निज़ाम के दबाव को कम करने के लिए मजीद कुछ किया जा सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड की तख्त नशीनी की तकरीर में तस्लीम किया गया कि ऑन्टेरियो में सेहत के निज़ाम के दबाव को कम करने के लिए मजीद कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस मसले का कोई नया हल पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से सूबे भर में हंगामी कमरे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट एलिजबेथ डोडोसेल ने तख्त से फोर्ड की तकरीर की, जो एक नए कानून साज इजलास के आगाज की अलामत है। तकरीर में कहा गया कि प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत सेहत के निज़ाम के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस मसले से निमटने के लिए ख्यालात की निशानदेही कर रही है। फोर्ड 2018 से प्रीमियर हैं और तकरीर में बताया गया कि वो सेहत के शोबे में क्या कर चुके हैं, जिसमें अस्पताल के हज़ारों बिस्तरों और नर्सों को शामिल करना,
घर और कम्युनिटी की देखभाल में सरमायाकारी करना, सेहत के पेशावर अफराद को देही और दूर दराज इलाकों में रागिब करने के लिए ग्रांट मुतारिफ कराना और मनसूबा बंदी करना, 30,000 नए तवील मुद्दती निगहदाश्त के बिस्तरों की तामीर शामिल है। डॉक्टर सोहेल ने कहा कि अगरचा उनकी तारीखी सरमायाकारी ने जदीद तारीख के सबसे मुश्किल दौर में सूबे के सेहत के निज़ाम को सहारा देने में मदद फराहम की है, इसमें कोई सवाल नहीं है। कैनेडा भर में सेहत के निज़ाम की तरह एक थकती हुई अफरादी क़ुव्वत और तेज़ी से दबाव वाले हंगामी महकमों समेत अहम दबाव का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आपकी हुकूमत फौरी काबिल अमल हल की निशानदही करने के लिए सेहत के निज़ाम के शराकत दारों के साथ सरगर्म अमल है और फौरी दबाव को कम करने में मदद के लिए जो भी इकदाम दरकार होंगे उन पर अमल दरामद करेगा, जबकि ये भी यकीनी बनाएगा कि सूबा मौसम सरमा के किसी भी इजाफे के दौरान खुला रहने के लिए तैयार है। कनाडा के नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फिनलैंड ने पुलिस और सेनेगाल के सफारतकार के दरमियान झगड़े के बाद पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन के नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फिनलैंड ने पुलिस और सेनेगाल के सफारतकार के दरमियान झगड़े के बाद पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की। सेनेगाल का कहना है कि गैटन्यू पुलिस जिल्लत आमेज जिस्मानी और इखलाकी तशद्दुद की जिम्मेदार थी। गुज़िश्ता हफ्ते सेनेगाल की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि क्यूबेक के इलाके गैटन्यू पुलिस ने सफारतकार पर जिल्लत आमेज जिस्मानी और इखलाकी तशद्दुद का इस्तेमाल किया और उसे हथकड़ियाँ लगाकर मारा पीटा, जिसका अख्तिताम सफारतकार के अस्पताल में दाखिल होने के साथ हुआ। गैटन्यू पुलिस सर्विस का कहना है कि 2 अगस्त के वाक़े के दौरान एक शख्स ने एक अफसर को मुक्के मारे और दूसरे को काटा। फ्रीलैंड का कहना था कि ये नाकाबिले कबूल है और क्या कनाडा ने सेनेगाल से माफ़ी मांग ली है। सेनेगाल की हुकूमत ने ऑटावा से मुतालबा किया कि वो इस नस्ल परस्ताना और वहशियाना फेल की सख्ती से मजम्मत करे। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा, हमारे मुल्क में किसी के साथ भी बर्बरियत, पुलिस की बर्बरियत की कोई भी मिसाल, चाहे वो कैनेडियन हो या विजिटर या सफारतकार, यकीनन मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ये वो चीज़ है जिस पर हमारी हुकूमत वाज़े है और मैं यहाँ मौजूद तमाम कैनेडियंस और तमाम सफारतकारों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम इस पर बिल्कुल वाज़े हैं। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना था कि क्यूबेक का पुलिस वॉच डॉग अब अफसरान के तर्ज अमल की तहकीकात कर रहा है, इस वाक़े के तनाजर में की गई रिपोर्ट्स की कापियाँ तलब करके शुरू कर रहा है। गैटिन पुलिस सर्विस ने कहा कि वो मजीद कोई तबसरा नहीं करेगी जब तक वॉच डॉग की तहकीकात सामने आएंगी। रूस ने कामयाबी के साथ ईरान के लिए तैयार करदा जासूस सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और मुअय्यना मुद्दत के लिए यूक्रेन की जासूसी के लिए खुद इस्तेमाल करेगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस ने कामयाबी के साथ ईरान के लिए तैयार करदा जासूस सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और मुअय्यना मुद्दत के लिए यूक्रेन की जासूसी के लिए खुद इस्तेमाल करेगा। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक रूस ने खयाम नामी सैटेलाइट के मैदान में दाखिल होने की तस्दीक कर दी। कज़ाकिस्तान के करीब से सैटेलाइट को सोयुज 2.1B रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया। ये सैटेलाइट रूस ने ईरान के लिए तैयार किया है, ताहम अभी इसका कंट्रोल रूस के पास ही है और सैटेलाइट की ईरान की हवालगी में कई माह लग सकते हैं और इस दौरान ये सैटेलाइट रूस यूक्रेन की जासूसी के लिए खुद इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी जानब ईरान की खलाई एजेंसी की जानब से जारी बयान में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान खयाम सैटेलाइट का कंट्रोल खला में पहुंचने के 10 दिन के अंदर अंदर हासिल कर लेगा। कबल अजी ईरान ने दावा किया था कि खयाम सैटेलाइट का मकसद मुल्क की सरहदों की निगरानी, ज़रई पैदावार को बढ़ाना और आबी वसाइल और कुदरती आफात की निगरानी करना है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह तेहरान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामना ई से मुलाकात की थी। चीन ने ताइवान के गिर्द अपनी फौजी मशकें जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने इकदाम को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन ने ताइवान के गिर्द अपनी फौजी मशकें जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने इकदाम को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। चीन की फौज का कहना है कि वो ताइवान के गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी मशकें जारी रखेगी, जबकि शेड्यूल के मुताबिक ये मशकें इतवार को ख़त्म होने वाली थीं। चीनी फौज की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि वो आबदोज कुश
हमलों और समंदरी कार्रवाइयों की मशक करेगी। हालिया मशकें अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की क्यादत में एक अमरीकी वफद के दौरे ताइवान के बाद शुरू की गयी। ताइवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीन इन मशकों को जजीरे पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। सब्सक्राइब टेक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।